बिहारी जिसने सेल्समैन से शुरू किया था करियर, बना दिया करोड़ों की दवा कंपनी, जो कभी अमीरों की लिस्ट में अनिल अंबानी से हुआ करता था आगे, जिसे फोर्ब्स ने विश्व के अमीरों की लिस्ट में दी थी जगह, जिन्होंने अल्केम लेबोरेटरीज की स्थापना कर मचा दी थी सनसनी। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जिसने प्रदेश का तो मान सम्मान देश दुनिया में बनाया ही। बिहार में जब उद्योगपतियों का जिक्र होता है तो इस व्यक्ति का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। इसीलिए नहीं कि इस व्यक्ति ने पैसे बहुत कमाए, बल्कि इस व्यक्ति का संघर्ष इतना बड़ा रहा कि इन्होंने अपने कार्यों से लोगों को अपनी ओर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। एक समय था जब बिहारी बीकॉम पढ़ाई के बाद गांव में जाकर खेती करना चाहता था, लेकिन हालात और परिस्थितियां ऐसी रही कि वह खेती कर ना सका। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। इस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और जब यह दूसरा दरवाज़ा खुला तो सीधा फोर्ब्स की सूची में इसका नाम दर्ज हो गया। अब तक आप भी पहचान ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं उस बिहारी के बारे में जिसका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हो गया था, बिहार के मशहूर उद्योगपति संप्रदा सिंह के बारे में। संप्रदा सिंह का जन्म 25 अगस्त 1926 को प्रदेश के जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के ओकरी गांव में एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण सिंह और माता का नाम था जयंती देवी। इनकी शुरुआती पढ़ाई यानी कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के ही स्कूल में हुई थी। शुरुआती पढ़ाई समाप्त होने के बाद इनकी शादी हो गई, यानी कि इनकी उम्र उस समय महज 13 साल की थी, तो घर वालों ने इनकी शादी नन्हावती से करवा दी थी। आगे की पढ़ाई के लिए संप्रदा सिंह बिहार की राजधानी पटना आ गए। यहाँ उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में बीकॉम की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बार फिर से वे गाँव की ओर रुख किए। उनके मन में विचार चल रहा था कि गांव में ही खेती बाड़ी किया जाए, लेकिन जब संप्रदा सिंह खेती करने की नियत से गांव पहुंचे थे, गांव के लोग यह कहते थे, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो संप्रदा का खेल। हालांकि संप्रदा सिंह के मन में खेती को लेकर एक विजन था, एक सोच था कि उन्हें खेती में क्या करना है। उन्हें अपने पुराने पारंपरिक खेती नहीं करना था, वो चाहते थे कि उस दौरान खेती में वे सब्जी का उत्पादन करें। लेकिन जब उन्होंने खेती करने की शुरुआत की तो सिंचाई की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आई। संप्रदा सिंह जब महज 11 साल के थे तो वे किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। बता दें कि 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर घोसी पुलिस थाना को जला दिया था। इतना ही नहीं, जब साल 1945 में जब वे दूसरे विश्व युद्ध की जीत के बाद इंग्लैंड की जीत हुई थी तो देश में जश्न मनाया जा रहा था, तो इन्होंने इसका विरोध किया था। उस समय वे घोसी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि उन्हें उस स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद बीकॉम की पढ़ाई करते हुए जयप्रकाश नारायण के विचारों से वे काफ़ी प्रभावित हुए थे। बाद के समय में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की गतिविधियों में अपने आप को शामिल कर लिया। खेती किसानी की जब इन्होंने शुरुआत की तो उस समय उन्होंने काफ़ी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने उस दौरान लोन पर एक पंप सेट भी खरीद लिया। हालांकि यह भी कारगर साबित न हो सका, क्योंकि इसी दौरान प्रदेश में अकाल पड़ गया था। ऐसे में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, तो सब्जी उगाने के लिए पानी कहाँ से मिल पाता। इस दौरान गाँव के लोग तो ताना दे ही रहे थे। अब अकाल ने भी आकर संप्रदा सिंह को यह सिद्ध करने नहीं दिया कि हम यह कर सकते हैं। खैर, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अपनी लाइन ही बदल ली और अपनी कामयाबी को लेकर वे दूसरी राह पर चल पड़े। वो पटना आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने साल 1953 में एक रिटेल केमिस्ट की छोटी सी दुकान खोल दी, वह भी एक पार्टनर के साथ। उनका नाम था लक्ष्मी शर्मा। इस दौरान वे लोगों के अस्पताल में जाकर दवाइयाँ दिया करते थे। इस क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने साल 1960 में पटना में मगध फार्मा के नाम से एक दवाई डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका बिजनेस इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। इस दौरान उनके पास सभी लगभग मल्टीनेशनल कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप आ गया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्थिति यह थी कि पूर्वी क्षेत्र भारत के दूसरे सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों की लिस्ट में इनका नाम था। इनकी एजेंसी चल रही थी। बिहार में तो नाम था ही, साथ ही साथ पूरे देश में इनका नाम हो रहा था। वो कहते हैं ना, जिसे आगे बढ़ने की चाह हो उसे कहाँ कोई रोक पाया है। इसी दौरान संप्रदा सिंह ने
खुद अल्केम फार्मा खोल दी, जिसमें वे पूरे बिहार में दवाई की सप्लाई शुरू कर दी। जब यह कारोबार आगे बढ़ा तो उन्होंने मुंबई जाने का मन बनाया। साल 1973 में उन्होंने महज 1,00,000 रुपया लेकर वो मुंबई पहुंच गए, जहां उन्होंने अल्केम लेबोरेटरीज नाम की एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री की स्थापना कर दी। लेकिन पैसे कम होने के कारण शुरुआती समय में उन्हें खूब संघर्ष करना पड़ा। लोग बताते हैं कि इस दौरान कंपनी की दवा कहीं और बनती थी। धीरे धीरे उनके द्वारा बनाई गई कंपनी की मांग बाजार में बढ़ने लगी। 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद साल 1989 में अल्केम ने एक एंटीबायोटिक कम्फोटेक्सिम का जेनरिक वर्जन टैक्सिन बनाने में सफलता मिल गई। टैक्सिन की कीमत लोगों को रास आ रही थी, यानी कि इस दवा को अमीर से गरीब तक खरीद सकता था। इसी दवा के बाद से अल्केम लेबोरेटरीज को देश में एक अलग पहचान मिल गई। इस कंपनी की आज की स्थिति को अगर हम देखें तो विश्व में एक अलग ही पहचान है। इस कंपनी का शेयर नवंबर 2016 में दोगुना हो गया था। इसके बाद साल 2017 में समाप्त हुए वित्तीय साल में अल्केम का नेट प्रॉफिट 20% बढ़कर 13.9 करोड़ डॉलर और रेवेन्यू 91.3 करोड़ डॉलर हो गया था। इसका मतलब है कि कंपनी अब पहले से ज़्यादा विकसित हो गई थी। साल 2017 में संप्रदा सिंह को सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर बिजनेस सोशल फोरम में ग्लोबल एशियन ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2017 में ही फोर्ब्स ने इंडिया की ओर से जारी भारत के अमीरों की लिस्ट में संप्रदा बाबू का नाम 43वें स्थान पर था। इसके बाद साल 2018 में फोर्ब्स की सूची ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में इनकी जगह बनाई, तब उसका स्थान था 1867वां। समय के साथ संप्रदा बाबू की तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी थी। अचानक से एक दिन तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बिहार का यह लाल 27 जुलाई 2019 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। बिहारी लाल ने बिहार का नाम देश ही नहीं विदेशों में पहुंचाया था। अपनी औद्योगिक क्षमता के कारण संप्रदा बाबू इस मुकाम तक पहुंच पाए थे। संप्रदा बाबू के निधन के बाद उद्योग जगत में शोक थी। बिहार के इस इलाके से आते थे, वहाँ शोक की लहर थी। क्या महिलाएँ, क्या बच्चे, क्या बूढ़े संप्रदा बाबू के बारे में बात कर रहे थे। उनकी कृतियों को गिना जा रहा था। उनके बारे में लोग गाथा के रूप में बता रहे थे कि संप्रदा बाबू ऐसे थे। अब संप्रदा बाबू हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी बिहार की शान के रूप में संप्रदा बाबू जाने जाते हैं। संप्रदा बाबू को लेकर आपके मन में कोई विचार है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।